Good morning, all of you. Good morning. We will start chapter 14, natural resources. So, first of all, we have to know that what are the natural resources and how we will get natural resources. उससे पहले कुछ फैक्ट्स है कि लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही है. लाइफ जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही है. अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से है कि लाइफ एग्जिस्ट बाय नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, लाइफ किन के थ्रू बनी है. हम कहते हैं सॉइल चाहिए, हम कहते हैं वाटर चाहिए, हम कहते हैं एयर चाहिए, हम कहते हैं लाइट चाहिए. इनके थ्रू ही पॉसिबल है. तो ये क्या है, इजंट दे आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, यस. तो ये क्या हुए, नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरी चीज, इन सब ने मिलके एक क्या बनाया है, बायोस्फीयर बनाया है. और इस बायोस्फीयर के अंदर हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को ले सकते हैं. तो बायोस्फीयर को हम कैसे समझेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ, ये तीन चीजों से मिलके बना है, तीन स्फीयर से मिलके बना है. पहला कौन सा है, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब है ओनली लैंड, सिर्फ और सिर्फ लैंड ही होगी उसके अंदर. रॉक्स, रॉक्स, यस. जस्ट ए मिनट. सो किससे मिलके बना है, लैंड सिस्टम जो भी है. तो लैंड बनते किससे है, रॉक्स. रॉक्स, यस. दूसरा है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, कि वाटर. यस, वाटर. और तीसरा है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर, एयर. एयर से, बिल्कुल. और इन तीनों चीजों को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर के अंदर ये सारे आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे. तो अब बात करते हैं हम नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन. क्या बताओगे आप नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन? रिसोर्स दैट प्रोवाइडेड बाय नेचर. ओके, एनी अदर? बता. किसी को नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन नहीं आती. अभी इन्होंने बताया रिसोर्स इज दैट वी कैन गेट फ्रॉम द नेचर. एंड ये जो रिसोर्सेज है, दीज रिसोर्स, दीज आर बेसिक, दीज विल हेल्प फॉर मेकिंग आवर लाइफ इजी. हमारी लाइफ को इजी करने के लिए जो हम नेचर के थ्रू रिसोर्सेज का यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. यस, तो रिसोर्सेज विच वी विल गेट थ्रू नेचर फॉर मेकिंग आवर लाइफ ईजी, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. तैयार, नेचुरल रिसोर्सेज. तो देखो डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, आपको लर्न करनी है अपने मन से. अब देर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं,
कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हुए? पहला एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक. बायोटिक यस, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक के अंदर क्या क्या है? एयर, वाटर, सॉइल. एयर, वाटर, सॉइल और क्या क्या आएंगे? लैंड, रॉक्स, लाइट. लाइट ये सारे क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज है. बायोटिक के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन, ट्रीज. यस, ये बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. तो बस हमें ह्यूमंस भी होंगे ना? क्या ह्यूमंस भी होंगे ना? ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर आ गए. एनिमल्स के अंदर सारे टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं. ठीक है, तो अब हम इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है एयर. एयर क्या बताओगे आप एज अ नेचुरल रिसोर्स एयर को? एयर से पहले एक चीज फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी. एयर का एक चीज और बता देती हूँ कि नेचुरल रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. यूज के बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर टू कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं. कौन कौन से? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल यस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल जिन्हें हम वापस ले सकते, वी विल यूज में ले सकते हैं, गेट देम आफ्टर कंप्लीशन. इनके खत्म होने के बाद भी हम इनको वापस ले सकते हैं. दे विल नेवर एंड. तो इसके अंदर मोस्टली कौन से आते हैं? एबायोटिक. एबायोटिक जो भी है वो इसके अंदर आएंगे. नॉन रिन्यूएबल दे विल एंड, ये खत्म हो जाएंगे. इनको हम नया नहीं बना सकते. वी कैन नॉट गेट देम आफ्टर कंप्लीशन. इनको ख़त्म होने के बाद हम दोबारा से इनको नहीं ले सकते हैं, नहीं कहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही नया इनको बना सकते हैं. नाउ इनके अंदर मोस्टली एबायोटिक का कौन बोला बेटा इतना तेज? कॉल. क्या कॉल? क्या कॉल? मैम कोयला भी आएगा ना? कोल, कॉल नहीं. एबायोटिक का वाटर, वाटर स्कार्सिटी हो रही है. और कौन सा? ड्रिंकेबल वाटर. और दूसरे है बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक रिसोर्सेज जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स है. अब ये मैंने आपको डायरेक्ट वेज लिख ली. इनडायरेक्ट इनके थ्रू जो भी बनेंगे, जैसे अभी आपने कहा कोल, तो वो इनके थ्रू ही बना है. ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर ही आ जाएगा. चलिए नाउ फर्स्ट रिसोर्स हम लेते हैं, नेचुरल रिसोर्स. इट इज अ एयर. व्हाट डू यू मीन बाय एयर? एयर क्या है, किस तरीके से काम आती है, कहाँ काम आती है? कौन बताएगा आप में से? फॉर ब्रीथिंग. ओके, एंड सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ ये कौन से एटमॉस्फेयर, आपको कौन से स्फेयर के अंदर मिलेगी? तो वी विल गेट
एटमॉस्फेयर। यस वी विल गेट एयर एटमॉस्फेयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्या काम है इसका? सबसे पहला काम है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओजोन लेयर और एनवायरनमेंट। बेटा आपने क्या बोला? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से क्यों प्रोटेक्ट करेगी? ओजोन लेयर तो खुद हमें प्रोटेक्ट करती है, तो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अर्थ के चारों तरफ एक इसका सराउंडिंग सर्वाइवल है जो प्रोटेक्शन में, प्लस क्या और जो भी सर्वाइवल ऑफ लाइफ है, जीने के लिए भी एयर की जरूरत है। अब एयर होती क्या है? क्या होती है? इट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, मैंने गैस, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन। बिल्कुल, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आपने बोला कि ये किन किन का मिक्सचर है, कुछ गैसेस बताई ना आपने, जैसे उनमें से एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हमारे काम आती है? इनडायरेक्टली काम आती है। कैसे? प्लांट्स लेते हैं इनको, प्लांट्स जो इनटेक करते हैं, जब प्लांट अपना फूड वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, हेल्दी बन जाएंगे, तो उन प्लांट्स को हम खा लेंगे, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन हमारे अंदर आती है इनडायरेक्ट फॉर्म। सॉइल में होता है ना नाइट्रोजन? सॉइल नहीं, एयर में। हम एयर पढ़ रहे हैं ना, तो सॉइल में कैसे चला गया? इसको फिक्स करके वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ काम आती है? ब्रीथिंग में। एनिमल, यस, मतलब रेस्पिरेशन के अंदर। और क्या है? CO2, इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड गैस। कंपाउंड गैस है, कहाँ काम आएगी? ये फोटोसिंथेसिस, यस, एंड हीलियम, दे आर द अदर गैसेस, लाइट वेट गैसेस। यस, जो हमें मेन जो गैसेस हमारे काम आती है वो ये, बाकी इसके अलावा गैसेस हमारे काम में नहीं आती। अब इसमें जैसे ओजोन वगैरह बन गया तो वो प्रोटेक्शन कर दे गई। तीन गैसेस के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? ये तो चलो मेन गैसेस हमने निकाल ली, और क्या है यहाँ पे? ऑर्गन, वेपर भी तो है। वाटर वेपर भी तो है, जो कि क्या करती है? मॉइस्चर प्रोवाइड करती, बस। तो इट इज अ एयर, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। तो समझ में आया आपको एयर? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब आप एयर को किस तरीके से प्योर रख सकते हो, मतलब हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन? एयर मैम पॉल्यूशन से बताएंगे मैम, फैक्ट्री में मैम आग लगती है ऐसे। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके, नॉट फॉर नॉट कटिंग प्लांट्स, कार में से जो पॉल्यूशन आता है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन को हम कैसे डिस्क्राइब, आप सब जानते हो ना एयर पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? अनवांटेड पार्टिकल जब उस एक पूरे के पूरे फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉल्यूशन। अब एयर के पर्टिकुलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब उन पार्टिकल्स की साइज से बड़े पार्टिकल्स जब एयर के अंदर ऐड हो जाएंगे और वो अनवांटेड होंगे, क्योंकि एयर का कंपोजिशन तो है ही नहीं, वो पार्टिकल्स बाहर से आ गए, अब वो ऐड होते जा रहे, ऐड होते जा रहे, जबकि एयर का कंपोनेंट ही नहीं है, तो उन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर्स या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और पॉल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो अगर एयर में हो रहा है तो एयर पॉल्यूशन है,
वाटर में हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन है. तो कुल मिला के अनवांटेड पार्टिकल्स जब किसी एयर वाटर सॉइल के कंपोजिशन में ऐड होना स्टार्ट कर देते हैं देन दे विल स्टार्ट जनरेटिंग पॉल्यूशन एंड द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? एक एक करके बोलो क्या क्या कॉजेज है एयर पॉल्यूशन के. क्या बेटा? प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग. एयर पॉल्यूशन के आपको कॉज पूछ रही हूँ, मतलब एयर पॉल्यूशन किन किन क्या डिफॉरेस्टेशन? आदित्य की तो आवाज नहीं. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मैम. ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन. यस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी. वेरी गुड. और क्या था? स्मोक. बर्निंग ऑफ गैसेस. स्मोक है. स्मोक किन किन के थ्रू होता है? बर्निंग ऑफ गैसेस. इंसर्नेशन नहीं, फायर के थ्रू होता है. तो ये हम फॉरेस्ट फायर भी कह सकते हैं और व्हीकल्स के थ्रू होता है ना. और क्या है मैम? पॉलिथीन. इंडस्ट्रीज. कुछ भी मत बोलो, तुक्के भी नहीं मारने. यूट्यूब पे आपके फिर ये सब नजर आएंगे आंसर्स, तो जो आता है वही बोलना है, फालतू भी नहीं बोलना है इसके अंदर. पॉलिथीन तो हो गया ना बेटा, फायर हो गया. पॉलिथीन एयर पोल्यूशन कॉज करेगी? कैसे कॉज करेगी? जलाओगे जब कॉज करेगी तो फायर लिख दिया. स्मोक हो गया ना, वो बार बार वही चीज थोड़ी ना लिखेंगे अलग अलग फॉर्म में. इंडस्ट्रीज, ये भी स्मोक ही दे रही है, बट इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम सेपरेट बना के लिखते हैं. तो दे आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसके अंदर स्मोक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ही इंक्रीज करता है. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेस डे बाय डे. ठीक है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. किसके वजह से? स्मोक की वजह से. और स्मोक कहाँ कहाँ से आते हैं? क्या क्या बोल रहे हो? इसके थ्रू, जलाने के थ्रू. चलो ये तो हो गए मेन कॉजेज. अब प्रिवेंशन क्या है? What are the prevention? Deforestation. First, वापस से प्लांट लगाना शुरू करो, फॉरेस्ट को वापस डेवलप करना शुरू करो. इसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप जो है कम हो जाएगी. यस, रिड्यूस हो जाएगी. स्मोक जो है उसको आपको रिड्यूस करना है, बहुत ज्यादा अनवांटेड थिंग्स को नहीं जलाना. और चीजें हम कौन सी जलाते हैं जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो ट्राई टू रिड्यूस द अनवांटेड नॉन रिसाइकलेबल थिंग्स. मैम यूज साइकिल, मैम यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके, एंड पब्लिक व्हीकल्स. यस, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, और सस्टेनेबली यूज. ऐसा नहीं कि हम भी जा रहे हैं भले 1 किलोमीटर दूर है बाइक लेके चले जाए फिर दूसरी बार और बाइक. अगर कोई 4 जने साथ में चल सकते हैं, 2 जने चल सकते हैं, तो उनको एक साथ ही जाना चाहिए. एक तो वो एक तरीके से शेयरिंग जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए,
और बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जो इंसरनेशन का यूज करना है, डायरेक्ट ऐसे स्मोक नहीं उड़ाना है, और उन मटेरियल्स का तो यूज बिल्कुल ही नहीं करना है जो बहुत ज्यादा स्मोक देते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंसरनेशन, और सिटी से बाहर जाके करें अगर पॉल्यूशन करना है तो, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हम रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो सिटी के अंदर एयर पॉल्यूशन करने की बजाय आप थोड़ा सा सिटी से आउटर साइड में इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें, और डायरेक्ट हवा में स्मोक करने की वजह से बहुत ऊपर ऊपर तक इंसरनेशन लगा के उसको स्मोक को बाहर निकाल. ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एयर. ये हमारा पहला जो नेचुरल रिसोर्स है हमने कंप्लीट किया है विद एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन. अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स को लेंगे. ठीक है.